एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D आई मेकअप। अभी हमने कल आपको बताया 3D फेस मेकअप का, आज हम बताएंगे 3D आई मेकअप। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। 3D आई मेकअप और इसके साथ एंजल विंग लाइनर भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो साथ ही साथ आवाज़ देते चलेंगे ताकि हमें भी अच्छा रहता है और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में भी आता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं थोड़ा सा कलर करेक्शन करेंगे आँखों के ऊपर। तो हल्का सा हम लेंगे FS24। क्रॉयलॉन का FS24। शीशा चाहिए थोड़ा छोटे पलट दें। हमने आईब्रो को पहले ही फिल कर लिया है ताकि टाइम की बचत हो जाए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि आईब्रो को कैसे फिल किया जाता है। अगर नहीं है तो मेरे चैनल पर वीडियो पहले से ही है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं कलर क्वीन का सिल्वर कलर। और एक इस तरीके का फ्लैट ब्रश लेने वाले हैं। मैं यहाँ पे सिल्वर कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी लाइट कलर ले सकती हैं, आप गोल्डन भी ले सकती हैं, कोई भी कलर ले सकती हैं। मैं एक आंखों में पहले आई मेकअप करूँगी फिर दूसरी आंख में, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो इसके लिए हम पहले एक ही आँख में आई मेकअप करेंगे। तो हम अपने आई लिड आई वॉल पर आई मेकअप करने वाले हैं, कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और हमारे चैनल से कुछ हमारी वीडियो से आप लोग सीख रही हूँ और चैनल पर पहली बार हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर आपके पास ब्रश नहीं है इस तरीके का फ्लैट, तो आप अपना हाथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, फिंगर। लेकिन अगर आप एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, तो आपके पास जो है प्रोडक्ट के साथ जो है उसके टूल्स जो अप्लाई करते हैं वो भी होने चाहिए, यानी ब्रश भी होने चाहिए। ये ज़रूरी है, ये ऐसा नहीं कि काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास इस तरीके की कुछ ब्रश फ्लैट होने ही चाहिए, क्योंकि इस फ्लैट ब्रश का बहुत ज़्यादा जगह काम आता है। तरह से हम क्रीज एरिया से ऊपर तक जाएंगे, बिल्कुल बाहर की तरफ निकालते हैं। इसके बाद हम एक इस तरीके से ब्रश लेंगे, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश गोल, और इसमें हम लेंगे ब्राउन कलर। पहले लाइट ब्राउन कलर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर। वो वाली पेन यहाँ पे, ये लाइट ब्राउन कलर है, इसको लेंगे। Thank you.
इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमने सिल्वर कलर लगाया है और हमारा ये ब्राउन कलर बिल्कुल अलग नहीं दिखना चाहिए, ब्लेंडेड दिखना चाहिए। इस कलर इनर कॉर्नर अभी हम इससे थोड़ा सा डार्क लेंगे। अगर आपके पास इससे थोड़ा सा डार्क कलर है तो आप डार्क कलर लेंगी, और अगर आपके पास डार्क कलर नहीं है तो आप इसकी जगह ब्लैक कलर लेंगी, बहुत हल्का ब्लैक लेंगी ब्रश में। बिल्कुल जो है यहाँ पे हम लगाएंगे जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं, फिर ऊपर की साइड जाएंगे। इसी तरह से थोड़ा सा लेंगे कलर इनर कॉर्नर पर जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं वहाँ पे। इसके बाद हम वही कलर लेंगे फिर से जो हमने पहले लिया हुआ था कलर, सिल्वर कलर। सिल्वर या इसे आप वाइट कलर भी बोल सकती हैं। और फिर से हम अप्लाई करेंगे अब हम थोड़ा सा उससे ज़्यादा वाइट लेंगे। और एंजल विंग लाइनर हम सिखाने वाले हैं। ये नहीं है, नहीं। हमने यहाँ पे जो है जेल लाइनर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक विंग क्रिएट करेंगे। यहाँ से जो हमारी ये नोक होती है, हमारी जो जहाँ से ऊपर और नीचे की जो लाइंस जुड़ती हैं हमारी आई जहाँ पे एंड होती है, वहाँ से हम एक लाइन क्रिएट करेंगे। इस तरीके से,
उसके बाद हम यहाँ पे अभी हमको बहुत बड़ा विंग नहीं करना है, एंजल विंग लाइनर करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा विंग नहीं निकालना है क्योंकि मेरी आँखों पर बहुत ज़्यादा या मेरे फेस पर वो अच्छा उतना नहीं लगता है। मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, तो इस जगह पे हम इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, वी बनाएंगे, देखें, और उसके बाद फिर एक इस तरीके से लाइन नीचे की तरफ, और इस वाली लाइन में मिक्स करेंगे अपने नीचे वो उसमें लेस लाइन में। और इस ये जो आपने विंग निकाला था ये इसके साथ जो है अटैच करेंगे यहाँ पे। इस तरह से, और इसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा बाहर की तरफ निकालेंगे ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूं। आगे का लाइनर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और निकालेंगे। ताकि मैं इसको अच्छे से आपको समझा सकूँ। इस तरह से, और यहाँ से जो है इसको इस वाले में मिक्स करेंगे। यहाँ से जो ये वाला लाइनर है इसको इस तरह से यहाँ से मिक्स करेंगे। और इसको नीचे से स्मच करेंगे, इस तरीके का ये विंग लाइनर होगा, एंजल लाइनर। इसमें इस तरीके का ये एक लाइन होती है, ये निकली हुई लाइन देखिए। इसको थोड़ा सा और निकालेंगे ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। और ये लाइनर नीचे से जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये लाइनर नीचे से स्मच होता है, तो हम इसको स्मच भी करेंगे यानी धुंधला करेंगे। इस तरीके का ब्रश, इससे जो है हम इसको धुंधला करेंगे। देखिए,
थोड़ा सा और लेंगे ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा और इसको ज़्यादा करूंगी। बाकी जितना मेरे आंखों के ऊपर ठीक लगना चाहिए उतना हो चुका है, पर मैं इसे आपको दिखाना चाहती हूँ इस तरीके का दिखता है। थोड़ा सा इसको नीचे और मोटा करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझा सकूं। लेंगे ब्लैक आई शैडो, उससे स्मच करेंगे ताकि ये ज़्यादा फैले। थोड़ा सा हम ब्लैक शैडो लेंगे और इससे इसको स्मच कर देंगे। अभी थोड़ा सा इसको स्मच करेंगे और इसके बाद जो है इस तरीके से ये दिखता है। उसको लगा लेते हैं तो चलो ऊपर से कुछ इस तरीके से। अब हम इसे लिक्विड लाइनर लगा के इसको इसमें से लिक्विड लाइनर देना, इसको कंप्लीट फिनिशिंग देते हैं इसमें। तो इसी को एंजल विंग लाइनर बोलते हैं, जो नीचे से पूरी तरीके से स्मच रहता है, धुंधला रहता है और ऊपर से काफ़ी क्लीन रहता है। अभी ये मेरे आँखों के हिसाब से नहीं, क्योंकि मेरी जो आँखें हैं वो थोड़ी सेमी हुडेड आई है जिसके कारण ये ढक जाता है, लेकिन जिनकी आँखें काफ़ी, जिनकी आई लिड काफ़ी अच्छे से विजुअल है बड़ी आँखों के ऊपर, जैसे इस तरीके की आँखें हैं, इनके ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा हमने उठाया है तो फिर मेरी ये हुडेड आई नहीं है, लेकिन हम छोड़ देते हैं तो ये हिस्सा इस पर आ जाएगा तो फिर ये हुडेड में आ जाती है, सेमी हुडेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बस आपको सिखाने के लिए मैंने ये अपने ऊपर किया, बाकी ये मेरी आई टाइप के लिए नहीं है। और अभी मैं आई टाइप किस तरीके की, कितने आई टाइप होती हैं और किन के ऊपर कैसा मेकअप किया जाए, ये सब मैं अपने प्रोफेशनल मेकअप कोर्स वाले चैनल पर बता रही हूँ। तो जिन्हें भी डिटेल में अच्छे से मेकअप सीखना है वो लोग प्लीज़ मेरे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें। अभी भी उसकी फ़र्स्ट वीडियो आई मेकअप की जा चुकी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अभी शुरुआत है तो प्लीज़ आप लोग देखिए, जिन लोगों को बहुत अच्छे से प्रॉपर आई मेकअप सीखना है। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिनिशिंग देंगे लिक्विड लाइनर से।
स्पिन थोड़ा सूख जाए तब मैं आँखों को खोलूँ अच्छे से, नहीं तो फिर ये जो है पूरा मिक्स हो जाएगा। पे हमने 3D मेकअप कर लिया है, आई मेकअप और एंजल वी लाइनर भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब मिला वाइट काजल, वो भी मिला है, पता नहीं इसी में होगा। ब्लू लाइनर हो तो ब्लू दे दो, इसके साथ ब्लू शूट करेगा। ब्लू लाइनर उसमें रखे थे, मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स तब तक हम मस्कारा कर लेते हैं। ब्लू वाला है, नीला लाइन है। अच्छा, इसको हटा ये इसमें थोड़ा सा स्टेप को रुको। तो फ्रेंड्स अभी मस्कारा करेंगे हम। यहाँ पे ग्लैम 21 का लगा रहे हैं, ग्लैम 21 वाटर प्रूफ मस्कारा है, काफ़ी अच्छा है। इसका ब्रश काफ़ी अच्छा है। ये होगा ना, वो है क्या लिप वाला है? नहीं नहीं वो भी लाइनर ही है। तो फ्रेंड्स हमें वाइट नहीं मिला और ब्लू मिला है, तो हम ब्लू लाइनर करेंगे। ब्लू काजल में है इसी अंदर ही डाल। तो फ्रेंड्स आप देख सकती हैं कंप्लीट आपके सामने जो है, हमने यहाँ पे ब्लू लगा लिया। आप ग्रीन लगा सकती हैं, आप वाइट लगा सकती हैं। अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो ब्लैक उतना नहीं जमेगा, लेकिन अगर कोई कलर लगाती हैं तो ज़्यादा अच्छे से आई मेकअप आएगा। और ये जो मेरे ऊपर एंजल विंग लाइनर है, ये मेरी आंखों के टाइप के लिए नहीं है, इसलिए मेरी आंखों पर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छा लग रहा है। जिनकी आंखें बड़ी हैं उनके ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये ब्राइडल के ऊपर भी दे सकती हैं, पर बहुत ज़्यादा आप फिर इसको नहीं निकालेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपने 3D आई मेकअप और एंजल विंग लाइनर आपने सीख लिया होगा, और ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। और पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।